हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरा गोवा का लास्ट व्लॉग जो कि रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ये व्लॉग भी मैं अपलोड कर देती हूँ। बहुत लेट हो गया था इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था, और मैं सोच रही थी छोड़ो जाने तो नहीं करना, बट मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देते हैं लास्ट व्लॉग जो हमारा था। तो ये है, मैंने लिया था यहाँ गोवा से ही, ये पर्स है। आप लोग बताना ये कैसा लग रहा है। ये देखो, ये मुझे बहुत पसंद आया था। कीमत है इसकी 900। ये मुझे 900 में मिला था। बहुत छोटा सा है, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं है। इसमें आप फ़ोन और क्या कहते हैं कि अपनी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की, वो आप कैरी कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने ले लिया था। बाकी कॉस्टली तो बहुत ज़्यादा पड़ा था मुझे। तो आप लोग भी बताना ये कैसा लग रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है ना। इसकी जो वर्क है ना, जो क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं मालूम। ये है मेरा दूसरा बैग जो कि ये सिंपल था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्यूट सा लग रहा था। इसके जो बटन जैसे जो काम है ना, वो मुझे ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया। ये ज़्यादा महंगी नहीं है, ये 300 की दिए थे तो मैंने ले लिया। तो ये था वो जो मैं सोच रही थी कि मैं आपको बहुत पहले ही दिखाने वाली थी, बट व्लॉग डालने में मुझे लेट हो गया, तो फिर बाद में मन नहीं करता है ना डालने का, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। बट एट द एंड मैंने डाल दिया। और सोचा मैंने जाने से पहले आप लोगों को ये दिखा दूँ, ये जो होटल जिसमें हम ठहरे थे, जो जहाँ हमने कमरा बुक किया था, तो ये है वो होटल रूम। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो हमें मिली थी यूज़ करने के लिए। बट जाहिर है आज के डेट में हर कोई अपनी अपनी चीज़ें लेके घूमता है, तो ये सारी चीज़ें हमें काम नहीं आती, तो बस ये ऐसी रह गई थी। बाकी और चलिए दिखाते हैं आपको। हमारा सामान ऐसे रखा हुआ था, जाने की तैयारी हो रही थी क्योंकि हमें आज जाना था। ये है वॉशरूम, अच्छा था, ज़्यादा मतलब एकदम बोलते ना वैसा वाला नहीं था, बस ठीक था, अच्छा था। और इसका कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा ही हाई था। ये थे कबर्ड, एक था लगेज रखने के लिए, उसके बाद ये है फ्रिज, बट इसमें कुछ भी नहीं। आइसिंग तो देखो, हाय मेरी उंगली आज दब गई दौड़ में। इतनी देर से मालूम होता तो रख लेती थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। किताब ब्लैक हो गया। और चलिए आपको दिखाते हैं हमारे रूम का व्यू। तो ये देखें कितना प्यारा सा व्यू है। सामने स्विमिंग पूल है और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं। और यहाँ मैं सोच रही थी पूल में जाने के लिए, बट मुझे तो तैरना आता ही नहीं है, तो मैं अपना टहल एंजॉय कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं, जिनको नहीं तैरना आता है वो या तो वो पैर लटका के बैठ सकते हैं या तो ऐसे ही टहल के एंजॉय कर सकते हैं, तो मैं भी वही कर रही थी। सोचा था मैंने पैर लटका के बैठ जाओ, बट हमारे पास टाइम बहुत कम था तो नहीं किया। आउट का टाइम, पूरा रूम मैसी पड़ा हुआ है, फटाफट से अब हम निकलते हैं। हो गई हमारी पैकिंग। शूज़ रख दिया ना वो पॉलिथिन में, वो गीली है ना, तो उसको देखते हैं। पूरा व्यू है इसका, अभी हो रहा है हमारा चेकआउट, जा रहे हैं हम। ये है वॉचमैन भैया, ये देखकर पूरा रिजॉर्ट है, घूम लिया हमने सारा। इधर मैं नहीं गई, सेम है या थोड़ा डिफरेंट है, बट यही है रिजॉर्ट, इसी का पूरा व्यू।